हेलो स्टूडेंट्स, हियर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने जेनेटिक्स पढ़ा, इनहेरिटेंस की बात करी, वेरिएशन की बात करी और फिर टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात करी, जिसमें हमने कहा कि सोमेटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन नाम के दो वेरिएशन होते हैं। सोमेटिक वेरिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें कि हमने एनवायरमेंट, टेम्परेचर, कॉन्शियस एफर्ट, लाइट, न्यूट्रिशन के बारे में, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है जर्मिनल वेरिएशन के बारे में, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनल वेरिएशन। ओके, जर्मिनल वेरिएशन। तो देखिए, जहाँ पे सोमेटिक वेरिएशन था कि बर्थ से नहीं होता है, ऐसे वेरिएशन जो बर्थ से नहीं होते हैं, आफ्टर बर्थ जो होते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स में होते हैं, वहीं जो हमारा जर्मिनल वेरिएशन है, जर्मिनल वेरिएशन होता है इफेक्ट ऑफ जर्म सेल्स। सीधे सीधे जर्म सेल्स इसमें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जर्म सेल्स जो होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। जर्म सेल यानी कि स्पर्म एंड ओवा, गैमेट्स इसमें अफेक्टेड रहते हैं और ये इनहेरिटेड भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये इनहेरिटेड भी हो जाते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं और ये रिसीव करते हैं। ये कहाँ से रिसीव होते हैं? पेरेंट्स को, पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसमिट भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। अब जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं, इनको भी दो टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। तो जर्मिनल वेरिएशन भी होते हैं हमारे दो टाइप के, एक तो होता है कंटिन्यूस वेरिएशन, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस जो लगातार चलता ही रहेगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन। सेकंड वन इज डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन में हम बात करते हैं जिसमें कि छोटे छोटे से चेंज होते हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूअस होते भी हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़े चेंजेस होते तो शायद वो एक्सेप्ट कभी होते ही नहीं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉल चेंजेस में होते हैं, इवन दो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता होगा, छोटे छोटे चेंजेस इसमें होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये चेंजेस हैं, नॉर्मल वेरिएशन इन्हें हम कहते हैं, जो कि एनिमल प्लांट सभी में होते हैं। नॉर्मल टाइप का एक चेंज होता है जो कि इंटरमीडिएट, और ये कनेक्टेड रहता है एक इंटरमीडिएट स्टेज से। ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेज इसमें होती है, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं इसमें लगातार, मतलब कि बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, इसमें चेंजेस कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये बहुत कॉमन है नेचर में, हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके ऑर्गन्स हैं, कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो इफेक्ट होते ही रहते हैं। और कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नॉर्मली वेरिएशन का मतलब होता है लगातार वेरिएशन, चेंजेस आते रहना, आते रहना और आते रहना। इतने चेंजेस आ जाते हैं कि एक बार ऐसा हो जाता है नई स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे, इतने माइन्यूट कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं, इनकी वजह से कभी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा जो कंटिन्यूस वेरिएशन है, इसमें नॉर्मली इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं जैसे कि साइज है, वेट, वेट कभी बढ़ता है कभी घटता है ना, मतलब लेकिन चेंज तो होता है ना, कंटिन्यूअस वेरिएशन तो है ना, वो चेंज तो है। और साथ ही साथ कलर की अगर हम बात करें किसी ऑर्गेनिज्म की, उसके पार्ट्स की बात करते हैं, या ये चेंज अपने कैरेक्टर को चेंज करते रहता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा, यानी कि दिस वेरिएशन अफेक्ट द साइज, हाइट, शेप एंड कलर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स को या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के शेप, कलर, हाइट, इसको चेंज ये करता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइट होगी, स्किन कलर हो गया, और नॉर्मली ये सब्सटेंसिव कंटिन्यूअस वेरिएशन का पार्ट होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो वेरिएशन है ना, कंटिन्यूअस वेरिएशन भी दो टाइप के होते हैं। एक तो आता है सब्सटेंसिव वेरिएशन, और दूसरा हमारा जो वेरिएशन आता है वो मेरिस्टिक होता है। तो सब्सटेंसिव जो वेरिएशन होता है, इसमें हाइट, स्किन कलर एंड शेप इसका एग्जाम्पल हो गया, जो कि साइज, वेट, हाइट को करता है। आइज हैं, फिंगर्स हैं, यहाँ पे साइज लिख लो, हाइट हो गया,
शेप ऑफ नोज, ठीक है, आईज, फिंगर्स, तो ये माइन्यूट से तो चेंजेस है ना, इनमें थोड़ा सा इसका शेप थोड़ा सा अलग होगा तो क्या नई स्पीसीज थोड़ी बन जाएगी? हाइट बड़ी छोटी होगी तो नई स्पीसीज नहीं बन सकती, साइज छोटा होगा, हाइट वेट ज़्यादा बड़ा है उससे नई स्पीसीज नहीं बनेगी, है ना? तो ये इसके एग्जाम्पल है. दूसरा, मेरिस्टिक कंटिन्यूअस वेरिएशन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स में चेंजेस होते हैं, लेकिन ये भी है तो कंटिन्यूअसली स्मॉल अमाउंट में होता है. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रेजेंस ऑफ 4 और 6 आर्म इन अ स्टार फिश. नॉर्मली 5 आर्म होती है स्टार फिश में, लेकिन कभी कभी 6 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, ठीक है? तो एक वेरिएशन थोड़ा सा चेंज आ गया उसमें. और ये वेरिएशन नंबर ऑफ सेगमेंट, अर्थवॉर्म में 100 से 120 तक हो सकते हैं सेगमेंट, और जो टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के उसमें ज़्यादा हो जाना, तो ये मेरिस्टमैटिक चेंज में आता है. जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं लिखूँ तो प्रेजेंस ऑफ 4 और 6 आर्म इन अ स्टार फिश, ठीक है, और हाइड्रा के टेंटिकल्स के बेसिस पे हमने बोल दिया, टेंटिकल्स ज़्यादा हैं कम है उसके बेसिस पे हमने इसे बोल दिया, ठीक है. तो ये जो और कभी कभी प्रेजेंस ऑफ 6 सेपल और पेटल इन पेंटामेरियस फ्लावर, पेंटामेरियस फ्लावर है 5 वाला हमने बोला, लेकिन उसमें 6 सेपल पेटल मिल जा रहे हैं, हेक्सामेरस हो जा रहा है वो, तो ये एक छोटा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस चेंज है, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन ये है. तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएशन एनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सके, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन के लिए वो ये करता है, और ये मेक दैम बेटर फिटेड. तो बेटर फिट स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में बेटर फिट करता है. अगर कभी एक अगर स्टार फिश में हम बोल रहे हैं कि 4, 6 हैं या 4 है, तो हो सकता है कहीं पे 5 जो आम है उसको हार्म पहुंचा रही हो या उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो 4 वाली जगह में चले जाएगा. अगर कहीं पे 5 कम हो जा रही है तो एक उसे एक्स्ट्रा मिल जाएगा. कुछ इस तरीके से अडेप्ट वो करता है, जो एग्जिस्टेंस है स्ट्रगल में उसे वो फिट बनाता है. कंटिन्यूस वेरिएशन जो होता है वो किसी भी मैन को या किसी भी एनिमल को या प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन की रेस में फिट बैठाता है, ठीक है. तो ये तो है हमारा कंटिन्यूस. दूसरा आता है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन. ये रेफर करता है एक लार्ज कॉन्सिपिशियस डिफरेंसेस को, एक बड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, कोई भी इंडिविजुअल इसमें नहीं होता है, नॉर्मली म्यूटेशन इसमें आ जाता है, बड़ा सा चेंज होता है जो क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है, म्यूटेशन इसमें हो जाता है, या स्पॉट इसे कहा जाता है, सॉल्टेशन इसे कहा जाता है, और जो इंडिविजुअल है काइंड ऑफ वेरिएशन इसे म्यूटेंट कहा जाता है. जिसमें म्यूटेशन हो जाएगा उसे क्या कह देंगे, म्यूटेंट हम कह देंगे. और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है पेरेंट्स और म्यूटेंट के बीच में. इसमें तो हमने पढ़ा था ना एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है, ठीक है. हैंस यहाँ पे कोई भी एवरेज या मीन फॉर्म नहीं होता है डाइवर्जेंस का, और ये कॉमन नहीं होता है. ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कोई कॉमन वेरिएशन नहीं, कंटिन्यूअस वेरिएशन तो कॉमन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उसकी बॉडी में अचानक से उनके इनहेरिटेबल में, ठीक है. तो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है इसमें हम जैसे एग्जाम्पल अगर हम दे सकते हैं तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम इससे भी दे सकते हैं, साइज, वेट, शेप, कलर, ऑर्गेनिज्म और इसके पार्ट से हम दे सकते हैं. इसमें होता है, इसमें भी होता है. तो जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जैसे एक शॉर्ट लेग वैरायटी होती है शीप की, शीप जो भेड़ होता है, एक बहुत छोटे छोटे पैर उसके होते हैं, उसे एनकॉन शीप कहा जाता है. और हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ कैटल, कैटल की बिना सींग वाली जो वैरायटी होती है उसे पोल्ड हेयर फोल्ड कैटल कहा जाता है. और एक हेयरलेस वैरायटी होती है डॉग, कैट और माइस की. ये सभी म्यूटेंट हैं, इनमें डिसकंटिन्यूअस चेंज था. और मजे की बात ये कि इनके पेरेंट्स नॉर्मल थे, पेरेंट्स इनके नॉर्मल थे, और अचानक से इनमें ये वेरिएशन आ गया और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ये वेरिएशन आगे बढ़ा दिया, ठीक है. तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करता है, जैसे पैची पार्ट आ जाएगा, या पिगमेंट जो स्कैल्प होता है वहाँ पे को पिगमेंटेड स्किन का गायब हो जाना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आ जाती है. और साथ ही साथ फ्यूज्ड फिंगर, फिंगर फ्यूज्ड होते हैं बहुत सारे लोगों के, एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स, बहुत शॉर्ट छोटे से फिंगर हैं लेकिन एबनॉर्मल हैं, छोटे से फिंगर हैं, ये इसके एग्जाम्पल इसमें आते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, एडिशनल डिजिट, फिंगर और टोज जो होते हैं वो एडिशनल हो जाते हैं, तो इसको पॉलीडेक्टाइली भी कहा जाता है. तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का एग्जाम्पल है. तो अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने कंटिन्यूस वेरिएशन पढ़ लिया, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन पढ़ लिया, तो क्या इसके कोई फायदे होते होंगे? तो अब हम पढ़ते हैं इसके सिग्निफिकेंस, यानी कि फायदे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन.
इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? तो ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन ये करता है. बिना विदाउट वेरिएशन ओल्डर स्पीसीज विल नॉट चेंज इनटू न्यू वन एंड देयर विल बी नो इवोल्यूशन. तो अगर हमें इवोल्यूशन चाहिए ना, अगर हमें चाहिए कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करे, अगर हमें चाहिए कि इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो, तो उसकी बॉडी में वेरिएशन आने जरूरी है. वेरिएशन नहीं आएंगे तो कोई नया इवोल्यूशन नहीं होने वाला है. ठीक है, वेरिएशन एनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को अपने चेंजिंग एन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये आपको नोट करते रहना है क्योंकि मैं इतना सारा नहीं नोट कर पाऊंगी, तो मैं बोलूंगी और आपको ये नोट भी करना है और ध्यान से सुनना है. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इजीली आप नोट भी कर लेंगे. तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि इट फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. विदाउट वेरिएशन ओल्डर स्पीसीज विल नॉट चेंज इनटू न्यू वंस एंड देयर विल बी नो इवोल्यूशन. ठीक है, कोई इवोल्यूशन नहीं होने वाला अगर चेंजेस नहीं आएंगे. दूसरा, वेरिएशन एनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सके. मीन्स वेरिएशन एनेबल, आप इसमें लिख सकते हैं, वेरिएशन इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरमेंट. और नेक्स्ट जो वेरिएशन है वो एनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को कि वो एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल है ना, जो फाइट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो फाइट कर सकता है. ठीक है, एक बेटर वे में फाइट करेगा. कैसे? अगर और ज़्यादा मॉडिफाइड ऑर्गन है उसके पास, मॉडिफाइड आर्म है, जैसे स्टारफिश ही है, 5 की जगह 6 आ जाएंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से वो फाइट कर सकता है ना अपने एग्जिस्टेंस के लिए. अपने स्ट्रगल, उसका जो स्ट्रगल है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. तो वेरिएशन हेल्प करता है मैन को यूजफुल एनिमल और प्लांट की रेस में फिक्स करने के लिए. और जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है वो प्रोड्यूस करते हैं नया ट्रेड. जरूरी नहीं कि वो हमेशा हार्मफुल ही हो. तो एक सिंगल जनरेशन में एक नया ट्रेड वो प्रोड्यूस करते हैं, नया जनरेशन वो लेके आते हैं. और वेरिएशन हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी एक इंडिविजुअलिटी देता है. ठीक है, तो बिना वेरिएशन के यहाँ पे कोई भी साइंस ऑफ हेरिडिटी नहीं हो सकती है. ठीक है, साइंस ऑफ वेरिएशन की अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इट मींस कि हेरिडिटी की तो आप बात छोड़ ही दो, हेरिडिटी की बात हम कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी. हम हेरिडिटी की बात करते हैं. हेरिडिटी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ऑलरेडी स्टेटेड इज दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ठीक है, तो हमने कहा कि कैरेक्टर का या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हम उसी को हेरिडिटी कह देते हैं. ठीक है, तो अब जो हेरिडिटी की बात, जब भी हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक साइंटिस्ट आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सीधे से उनको रिजल्ट मिल गया और वो फेमस हो गए, या उनका अप्लाई किया गया, अभी तक भी हम उनका जो उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग थी उसको हम पढ़ रहे हैं? क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं हुआ होगा. इस हेरिडिटी के बारे में जानने के लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना दमखम लगा दिया था. बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इसके पीछे लगे हुए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, थ्योरीज दे रहे थे, उनकी थ्योरी फिर नेगलेक्ट की जा रही थी, फिर नई थ्योरी आ रही थी दूसरे साइंटिस्ट की. तो ऐसे ही कुछ थ्योरी मैं आपको बताती हूँ मेंडल को पढ़ने से पहले. ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरी को बिफोर मेंडल एक्सप्लेन किया गया, जो कि फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे एज्यूम की गई कि हाँ ऐसा होता होगा, ब्लेंड हो जाता होगा, कोई चीज़ मिक्स हो जाती होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता होगा. तो थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, तो इसी बेसिस पे मेंडल से पहले एक थ्योरी आई थी, वेपर थ्योरी. और मजे की बात यह कि वेपर थ्योरी दी किसने थी? एक मैथमेटिशियन थे और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस. नाम सुना है ना आपने पाइथागोरस? पाइथागोरस फॉर्मूला भी है, पाइथागोरियन फॉर्मूला. तो एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन ये थे, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट. इन्होंने 500 BC में एक थ्योरी दी.
इन्होंने कहा कि जो एनिमल की बॉडी है ना, एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट हर एक ऑर्गन, अब वेपर थ्योरी ध्यान से सुनेगा, नाम से पता चल रहा है कुछ वेपर से रिलेटेड ये होता हो, ठीक है। तो पाइथागोरस ने कहा कि हर एक ऑर्गन जो एनिमल है, हर एक एनिमल की बॉडी का जो ऑर्गन है वो क्या करता है, कुछ अलग तरीके का वेपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इमिट करता है एक अलग तरीके के वेपर को। और ये एंड दैट अ न्यू इंडिविजुअल वाज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। तो इन्होंने कहा कि मतलब इनहेरिटेंस, मतलब समझ रहे हैं ना, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक नए यंग वन का बनना। तो पाइथागोरस ने कहा कि जो नया यंग वन है वो जो जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो कब पैदा हो रहे हैं या वो कब बन रहा है, वो तब बन रहा है जब अलग अलग ऑर्गन के वेपर निकल के कंबाइंड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो जा रहा है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है और अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है या नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये थी वेपर थ्योरी, ठीक है। तो ये कहीं से कहीं तक लॉजिक नहीं लगा इसका, तो इसको कैंसिल कर दिया गया। फिर चलो ठीक है, जिसको इसने कैंसिल किया उन्होंने दूसरी थ्योरी वो ले आए। दूसरी थ्योरी थी फ्लूइड थ्योरी, सेकेंड थ्योरी वॉज फ्लूइड थ्योरी। अब फ्लूइड थ्योरी में क्या कहा गया, एक ग्रीक फिलोसोफर ये भी थे, साइंटिस्ट थे एरिस्टॉल, नॉर्मली ये तो बायोलॉजिस्ट ही थे, एरिस्टोटल भी इन्हें कहा जाता है, एरिस्टॉल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा, इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया, एक तो मैन का सीमेन होता है, हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, दूसरा फीमेल का, फीमेल्स मेंस्ट्रुअल ब्लड, दो चीजों की इन्होंने यहाँ पे बात करी। इन्होंने कहा कि जो मैन का सीमेन है वो तो हाईली प्योरिफाइड है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फ्लूड है, प्योर ब्लड है मैन का जो सीमेन है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो वुमेन का मेंस्ट्रुअल फ्लूड है, फीमेल सीमेन भी उसे कहा जाता है, वो प्योर नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं मेल के सीमेन से या मैन के सीमेन से, तो वो बिल्कुल भी, वो मतलब इतना प्योर नहीं है जितना कि मैन का सीमेन है। मतलब सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि ये तो अनप्योर फॉर्म में है, ये अनप्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, और जबकि ये मैन का सीमेन जो होता है वो प्योर ब्लड है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जब ये दो फ्लूइड आपस में कंबाइंड होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम पे जब दो फ्लूइड आपस में कंबाइंड होंगे, तो जो फीमेल का जो सीमेन है जो प्योर फॉर्म में नहीं है, प्योर नहीं है, तो ये सीमेन क्या करता है, कुछ प्योर नहीं है, उनका कहने का मतलब ये था कि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स हैं, ठीक है, फीमेल के मेंस्ट्रुअल ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स हैं, जबकि मेल वाले में इतना ऐसे कोई सब्सटेंस मिक्स नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जब मेल का सीमेन और फीमेल का मेंस्ट्रुअल ब्लड या फीमेल का जो सीमेन है वो आपस में इंटरकोर्स के टाइम पे जब वो कंबाइंड होते हैं, जब आपस में कॉम्बिनेशन उनका होता है, तो जो फीमेल का जो सीमेन है वो कुछ सब्सटेंस देता है या कुछ सब्सटेंस का को प्रोवाइड करवाता है मैन के सीमेन को, जिससे कि वो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर सके और एक वैरायटी, एक वाइटेलिटी दे सके एम्ब्रायो, ठीक है। ये एरिस्टोटल ने कहा था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। थोड़े दिनों तक इसको माना गया, उसके बाद इसे भी हटा दिया गया, कहा गया कि ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसे करते करते बहुत सारी थ्योरीज आई, एक परफॉर्मेशन थ्योरी आई थी, उसके बाद पार्टिकुलेट थ्योरी आई थी, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ने दी थी। इन्होंने कहा था कि हर एक एनिमल माइन्यूट पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है जब भी दो पेरेंट्स आपस में, दो पेरेंट्स के पार्टिकल आपस में फ्यूज होते हैं, तो वो एक नए पार्ट का या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, इन्होंने कहा था, और इसे पार्टिकुलेट थ्योरी कहा गया, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस आई, तो बहुत सारी थ्योरीज आई, और फिर बड़ी मुश्किल से जो मेंडल की थ्योरी थी उसने थोड़ा सा इसमें विराम लगाया, थोड़ा सा बताया, लेकिन उससे पहले ये आया कि ये जितनी थ्योरीज थी ना, ये सभी फेल होती ही जा रही थी। इन थ्योरीज का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था, इन थ्योरीज से कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल रही थी। तो कुछ बेसिस रखे गए, सबसे पहले इसमें पढ़ना पड़ा या पढ़ने के लिए कहा गया कि आप बेसिस ऑफ हेरिडिटी रखिए। दो बेसिस ऑफ हेरिडिटी रखा, एक तो फिजिकल बेसिस और दूसरा केमिकल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी,
ठीक है, दो बेसिस इसमें दिए गए, फर्स्ट फिजिकल बेसिस। तो फिजिकल बेसिस में क्या कहा गया, तो ग्रेगर जोर मेंडल जो थे इन्होंने अनाउंस किया। इससे पहले कि हम ग्रेगर जोर मेंडल के बारे में पढ़ें, हम थोड़ा सा बेसिस ऑफ हेरिडिटी पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल बेसिस जो था, फिजिकल बेसिस में ग्रेगर जोर मेंडल जो थे इन्होंने अनाउंस किया था 1866 में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हेरिडिटी कंट्रोल होती है पार्टिकल से, जिन्हें जर्मिनल यूनिट या फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जिन फैक्टर्स को अब हम जीन्स के नेम से जानते हैं। ठीक है, जीन उन्हें हम कहते हैं, तो इन्हें पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है वो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है वो कंट्रोल होती है पार्टिकल से, और उन पार्टिकल को हम कह देते हैं जर्मिनल यूनिट और फैक्टर। ठीक है, या उन्होंने कह दिया इसे क्या, जर्मिनल यूनिट और फैक्टर उन्होंने कह दिए। और उन्हें, उन्होंने एक्चुअली देखे नहीं थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी नहीं करी थी, इन पार्टिकल्स या इन फैक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी नहीं करी थी। लेकिन जो पार्टिकल थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब कि ये एक्सप्लेन कर रहे थे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को। उन्होंने कहा कि जेनेटिक ट्रेट में जो ये पार्टिकल है, मैंने इनके बारे में स्टडी तो नहीं करी है, लेकिन मैंने इनको देखा तो नहीं है, लेकिन ये जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में ये बता रहे हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ये कर रहे हैं। उन्होंने मेनटेन किया, ही मेनटेन दैट फैक्टर वर प्रेजेंट इन ऑल द सेल। इन्होंने कहा कि जितनी, जो मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ वो हर एक सेल में प्रेजेंट है, सोमेटिक सेल में भी और जर्मिनल सेल में भी, दोनों सेल्स में ये प्रेजेंट है, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, किसने, मेंडल ने। मेंडल ने बताया फिजिकल बेसिस में कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सारे सेल्स में प्रेजेंट हैं, और भले सोमेटिक सेल की आप बात करो या जर्मिनल सेल की बात करो, जो कि गैमेट, जो और साथ ही साथ जो गैमेट होते हैं वो फैक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहे हैं, इन्होंने बोला। और जो गैमेट है वो क्या कर रहे हैं, तो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो गया, गैमेट। ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो द गैमेट्स फॉर्म, गैमेट्स फॉर्म द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, गैमेट ने फॉर्म किया। दूसरा आया केमिकल बेसिस, दूसरा जो बेसिस था, दूसरा कहा गया कि केमिकल बेसिस ऑफ, तो उसके बाद हेरिडिटी। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इट इज़ नाउ हेयर दैट हेरिडिटी इज कंट्रोल बाय जीन। अब पता चला कि जो फैक्टर मेंडल ने कहा था, जो फैक्टर वर्ड मेंडल यूज करते थे, वो एक्चुअल में जीन थे जो कि सारे सेल्स में प्रेजेंट है, सोमेटिक एज वेल एज गैमेट, जेनेटिक दोनों ही सेल में ये प्रेजेंट है, और सारे सेल में बॉडी के प्रेजेंट रहते हैं, और एक्चुअल में यही क्या होते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिडिटी, यही फॉर्म करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिडिटी, हेरिडिटी। ठीक है, तो केमिकल बेसिस में अब पता चला कि जीन होते हैं जिनका डेफिनेट सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स के साथ, मींस कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं, एक पार्टिकुलेट बॉडी इनकी होती है, तो इसी वजह से जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जीन्स के बारे में पता चला, क्रोमोसोम्स की बात की गई, क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे को पता चला, साथ ही साथ डीएनए की यहाँ पे बात करी गई, मतलब इसमें कहा गया कि जो डेफिनेट सेगमेंट्स होते हैं, डेफिनेट सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं जीन्स, क्रोमोसोम के सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ले जाने का इनका काम होता है, और ये कहाँ, न्यूक्लिया, गैमेट्स के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं प्रेजेंट जो जीन होते हैं वो कंपोज, किससे कंपोज होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, या डीएनए और प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं, और जो डीएनए पार्ट होता है वो फंक्शन करता है किसकी तरह, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, हालांकि जिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रूफ कीजिए, ये आपका क्वेश्चन भी है आपका। तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, और साथ ही साथ डीएनए ही केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी को फॉर्म करता है, तो डीएनए फॉर्म्स केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ओके, और बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, और दूसरा जो जीन होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं एक सेट में, एक सेट पास होता है और नए एक सेट से दूसरे सेट में वो चेंज होते रहते हैं, नए सेल को बनाते रहते हैं, यही एक रीजन है, या इनके ही तरीके से, इन्हीं की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर वो हो पाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में जानते हैं, मेंडल की डिस्कवरी ही हमने पूरे चैप्टर में पढ़नी है, तो थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में जान लिया जाए। तो मेंडल्स लाइफ,
मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक ऑस्ट्रियन थे. एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है ना, तो ये ऑस्ट्रिया के थे. ठीक है, तो बहुत ही पुअर फैमिली से ये बिलोंग करते थे और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी दिक्कत थी. मतलब कि अपने ही एफर्ट से इन्होंने पढ़ाई करी, अपनी स्कूलिंग भी इवन इन्होंने अपने ही एफर्ट से करी थी. इतना इनका अपना अवार्ड था. और ये पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, ये बहुत छोटी सी एज में एक रिलीजियस मैन, जिसे मॉन्क कहा जाता है, वो बन गए थे 1843 में. ठीक है, ही वॉज लेटर इन 1847 मेन अवार्ड हेड बन गए थे. वो किसके, एक मॉनेस्ट्री के हेड बन गए थे, रिलीजियस प्लेस के ही हेड बन गए थे, और जो कि अभी ऑस्ट्रिया में जो था. और यहाँ से इन्होंने फिर थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, पढ़ने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनको पढ़ने में था. और यहाँ से ये 1851 में चले गए थे, वियना की यूनिवर्सिटी में चले गए थे. वहाँ इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी 2 साल के लिए. अब देखिए, हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी, नेचुरल हिस्ट्री, और दूसरा इन्होंने मैथ्स पढ़ी. और उसके बाद इनकी जो डिस्कवरी हुई, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. मतलब जहाँ पे ये जाने गए, ये बायो के फील्ड में जाने गए, मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी इनका जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो बायो में माना जाता है. तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनका इंटरेस्ट जो जागा ना, वहाँ पे इनका इंटरेस्ट जागा हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन की तरफ इनका इंटरेस्ट जागा. और इनका जो चॉइस, जो सब्जेक्ट की जो चॉइस थी, वो एप्टीट्यूड था, हाइब्रिडाइजेशन ही था एक सिग्निफिकेंट. और हमारे लिए, या बायो वर्ल्ड के लिए, या हम लोगों के लिए, साइंटिस्ट के लिए, ये बहुत बड़ा ग्रेट वर्क निकल के आया. मतलब कि अप्रिशिएट हम करेंगे मेंडल को, कि थैंक यू सो मच जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्ट जगाया. तो यहाँ पे एक ग्रेट एप्टीट्यूड बना हाइब्रिडाइजेशन का, एक सिग्निफिकेंट वर्क इन्होंने यहाँ पे को किया. इनहेरिटेंस ऑन पी प्लांट के इनहेरिटेंस की इन्होंने, इसी हाइब्रिडाइजेशन की बदौलत पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. और मेंडल रिटर्न वापस आ गए 1853 में अपनी मॉनेस्ट्री में, और इन्होंने यहाँ पे काम किया, फिजिक्स और नेचुरल हिस्ट्री के टीचर्स के साथ एक स्कूल में काम किया. ठीक है, फिर 1856 से 1865 में मेंडल ने कंडक्ट किए कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे. इन्होंने कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए अपनी मॉनेस्ट्री पे, और ये लकीली फर्स्ट, मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं था कि आज तक किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, लेकिन ये लकीली फर्स्ट बने जिन्होंने क्लियर कट प्रिंसिपल दिए लॉज ऑफ हेरिडिटी के. और इन्होंने जो इन्होंने पब्लिश किया, इनको फाइंडिंग हिस्ट्री सोसाइटी में इन्होंने पब्लिश किया था. और इनके जो लॉज थे, वो बेसिस बन गए साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक्स के. जेनेटिक्स के बेसिक चीज़ें इनकी बन गई. और इसी की वजह से मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. मतलब आज तक ऐसा नहीं था कि इससे पहले किसी ने कोशिश नहीं करी थी. आज से पहले भी बहुत सारे, और इवन तब भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन लकीली मेंडल वो लकी इंसान थे, या मेंडल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गार्डन पी पे एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने करके हमें जेनेटिक्स की डिफाइन बता दी. जेनेटिक्स का पूरा हुलिया ही इन्होंने चेंज कर लिया. ठीक है, तो अब देखो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इनका इतना ग्रेट सिग्निफिकेंट था, मेंडल की डिस्कवरी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी ना बायोलॉजी वर्ल्ड के लिए, बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था. जहाँ पे साइंटिस्ट लगे थे, उनसे नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कुछ भी आउटकम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेंडल अप्रिशिएट नहीं हो पाए. क्यों? क्योंकि उनके साथ के जो बायोलॉजिस्ट थे, उनके हिसाब से वो उतने अप्रिशिएट नहीं हो पाए, क्योंकि उनका जो वर्क था वो एक लिमिटेड मतलब इन्होंने जो अपनी बुक पब्लिश करी ना, वो बुक एक उस पब्लिकेशन में इन्होंने पब्लिश करी जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि गरीब थे, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं. तो इन्होंने एक नॉर्मल जो लोकल जो एक पब्लिशर था, उसे दे दिया पब्लिश करने के लिए. और ये खुद भी श्योर नहीं थे, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिशियन थे ना. और इन्होंने क्या किया था पता है, इन्होंने मैथ्स का आइडिया लगा के बायो में काम किया था. मतलब कि इन्होंने मैथमेटिक्स अप्लाई करी थी, तो इसलिए खुद भी श्योर नहीं थे कि मैंने तो मैथ्स लगाई है. और इनके जो इनका जो क्या कहेंगे हम, पर्सनैलिटी थी, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं थी. मैथमेटिकल अप्रोच काम करेगा या नहीं करेगा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ये भी एक स्ट्रेंज चीज़ इन्होंने देखी, स्ट्रेंज चीज़ इन्होंने कहा ये है. तो इस ऐसे करते करते, और उस टाइम पे जो था, पहले से जो चली आ रही थी ना, वहाँ पे साइंटिस्ट के दिमाग में एक ही चीज़ थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. सिर्फ और सिर्फ डार्विन की थ्योरी ही उस टाइम पे पढ़ी जा रही थी, और कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था. और अनफॉर्चुनेटली मेंडल की डेथ हो गई 1884 में किडनी डिसऑर्डर की वजह से, बिना ये जाने कि उन्होंने कितना
इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन रख दी है, उन्होंने उनको ये भी नहीं पता चला और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद जब उनकी उनकी डेथ के बाद जब कुछ साइंटिस्ट को उनकी बुक मिली तो उसकी रीडिस्कवरी फिर की गई, दोबारा से डिस्कवरी की गई 1900 में, 1900 में रीडिस्कवरी हुई मेंडल की फाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट दोबारा से करे गए, या ऐसे देखा गया, इनके रिजल्ट को देखा गया इंडिपेंडेंटली। तीन बायोलॉजिस्ट थे, एक तो ह्यूगो डी वेरिस नीदरलैंड के थे, कार्ल कोरेंस नाम के दूसरे साइंटिस्ट जर्मनी के थे, और एक इरिच वॉन करके थे जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने मिलके सारा का मतलब कहेंगे कि क्रेडिट ले लिया मेंडल के बाद, सारा क्रेडिट इन्होंने ले लिया क्योंकि काम सारा मेंडल का ही था, और इन्होंने उन्हीं को रिडिस्कवर किया दोबारा से, मेंडल की ही थ्योरी को यूज करके वो प्रोसेस करी। और उसके बाद जो मेंडल का वर्क था उसके बाद रिपब्लिश हुआ, डी वेरिस ने अपनी फ्लोरा इन 1901 में इसे पब्लिश करवाया, और कुछ सालों बाद डब्ल्यू बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे और जो दूसरे इनके साथ जो दूसरे इनके साथ थे, इन्होंने कन्फर्म किया कि जो मेंडल का वर्क था और जो इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो सेम लॉ है जो कि एनिमल में भी अप्लाई हम कर सकते हैं। इन्होंने किया तो एक्सपेरिमेंट प्लांट में था, लेकिन बाकी सारे साइंटिस्ट ने फिर इसे अप्रूव किया कि नहीं, हम यही लॉज एनिमल्स में भी यूज़ करेंगे। और यही बात है, यही चीज़ है कि हम अभी तक भी जेनेटिक्स में, भले आप प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, हम दोनों में इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स के जाने की बात करते हैं, जीन्स के थ्रू जाने की बात करते हैं, डीएनए जा रहा है हम ये बात करते हैं, तो ये किसकी बदौलत है? ये सब कुछ है मेंडल की फाइंडिंग की वजह से, मेंडल की डिस्कवरी की वजह से। ठीक है, तो मेंडल का बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इनका एक्सपेरिमेंट किसमें किया था इन्होंने, तो पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे किया था, कितने ट्रेट उन्होंने लिए थे, कितना टाइम उनको लगा था ये एक्सपेरिमेंट करने में, कौन कौन से लॉज उन्होंने दिए थे, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप ये चीज़ें रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। तो अगले लेक्चर में हम मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट और कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।